हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इज़ माय लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक हैंगिंग प्लांट के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो लीज है बनाना जैसा है, थोड़ा छोटा बनाना जैसा। ये जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही एक अच्छा चॉइस है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा काटिंग लेके आई थी और उसमें से ये इतना सारा बनाया मैंने धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना है, इसका केयर कैसे हम करते हैं और इसका प्रोपागेशन हम कैसे किया। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बनाना स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना, ये प्लांट के लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉयल बनाना चाहिए। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, वेल ड्रेन्ड सॉयल इसको चाहिए। इसलिए आप सॉयल कैसे बनाएंगे, तो मैं जिस तरह इसका सॉयल बनाया तो वो मैं आज बता रही हूँ आप लोग को। ये जो हैंगिंग बास्केट में है मैं लगाती हूँ, इसीलिए इसका सॉयल ऑयल ड्रेन भी होना चाहिए और लाइट वेट, जिससे बास्केट हैंग करती हूँ तो उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस सॉयल में मैं ज़्यादातर कोकोपीट यूज़ करती हूँ। ये जो सॉयल मैंने बनाया, इसमें 50% गार्डन सॉयल और 30% रिवर सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ थोड़ा सा मैंने फंगिसाइड और थोड़ा सा बोन मिल मिलाकर ये जो सॉयल है ये तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो प्लांट है कितना दूर लटक रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा काटूँगी लेकिन अभी नहीं। तो फ्रेंड, इसके बाद आते हैं इसका लाइट कैसे चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सकुलेंट प्लांट है इसको ज़्यादा लाइट पसंद है, मॉर्निंग का सनलाइट इसको ज़्यादा पसंद है। 5-6 घंटा मॉर्निंग का जो लाइट है इसको लग जाए तो बहुत अच्छा से इसका ग्रोथ होगा। इवनिंग का सनलाइट आप सामर में नहीं दे तो अच्छा है। आप इसको इंडोर रख सकते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे से लाइट आना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से लाइट आए, जैसे ईस्ट तरफ अगर आपको कोई विंडो हो तो उसमें आप रखें, तो मॉर्निंग का सनलाइट अगर इसको लग जाए तो ये अच्छा से ग्रो करेगा। और फ्रेंड, पानी जैसे हर सकुलेंट प्लांट के लिए होता है कि इस जो प्लांट है इसका जो लीफ है इसमें देखिए आप कितना थिक मोटा मोटा सा इसका लीफ है। ये लीफ में पानी स्टोर रहता है तो इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जब इसका ऊपर का मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तब इसको पानी देना है। ये फ्रेंड देखिए, ये जो आप मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से इसका रूट्स निकलता रहते हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे और मिट्टी में लगाएंगे तो ये दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरह हर एंड से आप कटिंग लेकर आप पॉट बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको फर्टिलाइज़ आप कैसे करेंगे, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, हर 15 दिन में आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं तो आप इसका ग्रोथ अच्छे से देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो सकुलेंट प्लांट है विंटर में इसको फर्टिलाइज़ मत करिए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है अगर आपके पास नहीं है
तो नर्सरी से लेके आइए, और अगर किसी फ्रेंड के पास है तो थोड़ा सा कटिंग लेके आइए और लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा है लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो फ्रेंड्स बाय।